वाला है क्या? आपने कहा था ना कि बोंदता एक आदमी की दो पत्नियां होना श्राप है। गलत है ये, वो पति कहलाने लायक है ही नहीं जो एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी लेकर आए। बहुत बुरा आदमी होता है वो। क्या आपने आपने बताया था ना? अगर बैनर्जी बाबू ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसका सम्मान नहीं किया और दूसरी औरत के साथ शादी करके उसे घर ले आए, तो ना वो पहली के पति हुए ना दूसरी के। किसी के पति कहलाने लायक नहीं है वो बंधता। पर आपने भी वही किया ना? आप भी मेरे होते हुए मनोरमा जी को अपनी पत्नी बना कर लाए। मेरे साथ जो साथ वचन लिए थे वो निभाया आपने, नहीं ना? मुझे जो शाह का पोला पहनाया, जो सिंदूर भरा, उसकी लाज रखी क्या आपने? क्या सही से निभाया आपने हमारे पति पत्नी का रिश्ता? बस अब एक शब्द मत बोलना तुम, एकदम चुप रहोगी तुम। नहीं पति बाबू, आज चुप नहीं करा पाएंगे आप मुझे। सच और सही के लिए आवाज उठाने की हिम्मत आपने दी ना मुझे, तो आज मेरे सारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे आपको। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना और उत्तर पाना अधिकार है मेरा, और वो मैं आज लेकर ही रहूंगी। मेरा गलत कदम आखिर तुम्हें सही रास्ते की तरफ ले ही आया। यही गुस्सा चाहता था मैं तुमसे बोंदता, जिससे तुम मुझसे गुस्सा होकर फिर से अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित करो। क्या जवाब चाहती हो तुम? हाँ, क्या जानना चाहती हो तुम? तो सुनो, कान खोल कर सुनो। हाँ, मैंने मनोरमा से शादी की बोंदता। ये इसे कहते हैं शादी? इसे कहते हैं असली मायने में पति पत्नी का रिश्ता बोंदता? देखो इसे, ये है आदर्श पत्नी, जो अपने पति से सवाल नहीं पूछती कि क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। बोंदता तुम बताओ, तुम बताओ, क्या एक आदर्श पत्नी को अपने पति से प्रश्न करने चाहिए, कुछ पूछना चाहिए उसे? नहीं ना? क्या एक आदर्श पत्नी को अपने पति को सही गलत का पाठ पढ़ाना चाहिए? नहीं ना? क्या हुआ बोंदता, तुम पर तो आदर्श पत्नी बनने का भूत सवार था, फिर क्यों नहीं बन पाई तुम आदर्श पत्नी? आज मुझसे इतने सवाल कैसे कर रही हो तुम बोंदता? क्यों काका, आपने सिखाया नहीं अपनी सुलक्षिणी बहू को आदर्श पत्नी कैसे बनना चाहिए? सिखाया तो मैंने,
बहुत कुछ था बोंदिता, पर मेरी सारी सीखों को ताक पे रखकर बोंदिता ने क्या चुना? बोंदिता ने चुना सिर्फ आदर्श पत्नी बनना, सिर्फ आदर्श पत्नी। पढ़ाई लिखाई को ताक पे रखकर बोंदिता के जीवन का लक्ष्य बन गया आदर्श पत्नी बनना। विद्यालय नहीं जाना था बोंदिता को, विद्यालय ना जाकर सिंदूर खरीदने जाना था, चमत्कारी सिंदूर। हाथ पर नाम गुदवाना चाहती थी हमारा, कोतने का दर्द सहा बोंदिता ने, उपवास करना, व्रत करना, खाली पेट रहना, और खाली पेट उस ऊंची पहाड़ी वाले शिव मंदिर में जाना, वो भी नंगे पैर बोंदिता, क्योंकि बोंदिता चाहती थी कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता बाकी रिश्तों जैसा हो। तो बन गया बोंदिता, तुम्हारा रिश्ता बाकी पति पत्नियों जैसा बन गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, समस्या किस बात की है? झूमो, नाचो, खुश हो जाओ, क्योंकि क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली बोंदिता। तुलसीपुर में ऐसे कई सारे आदमी हैं, ऐसे कई सारे आदमी हैं जिन्होंने दो दो शादियां की हैं, तो मैंने भी दो दो शादियां कर ली बोंदिता। बोंदिता, तुम बन गई बाकी औरतों जैसी, तुम बन गई बाकी पत्नियों जैसी, बन गई तुम खास बोंदिता से आम बोंदिता। बन गई तुम बाकी पत्नियों जैसी, इसीलिए जैसे बाकी पत्नियां करती हैं, तुम भी वैसे ही करोगी बोंदिता। तुम अपने पति को भगवान मानोगी, पति की पूजा करोगी, पति की सेवा करोगी, जो तुम्हारा पति कहे तुम वही करोगी। अगर मैं कहूँ कि दिन है तो तुम कहोगी दिन है, अगर मैं कहूँ रात है तो तुम कहोगी रात है, अगर मैं कहूँ कि जाकर कुएं में कूदो तो तुम कूदोगी बोंदिता। जानती हो क्यों? क्योंकि आदर्श पत्नी अपने पति से सवाल नहीं करती। बन गई मेरी बोंदिता अनमोल बोंदिता से मामूली बोंदिता। यही तो बनना था ना तुम्हें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बोंदिता, तुम्हें नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। ढिंढोरा पीटो बोंदिता, कह दो सबसे कि मैं जैसी बनना चाहती थी वैसी बन गई। मैं चाहती थी कि मैं हीरा ना रहूं, तो मेरे पति बाबू ने मुझे पत्थर बना दिया। तो बोंदिता, मिल गए तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के सारे उत्तर। अगर और भी कोई सवाल है मन में तो बताओ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। नहीं पति बाबू, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए आपने, बल्कि उससे ज्यादा बता दिया आपने। हमेशा जीत का सपना दिखाकर आज खुद ही हरा दिया आपने मुझे। आप सच में बहुत होशियार हो बैरिस्टर बाबू। धन्यवाद बैरिस्टर बाबू। तुमने बैरिस्टर बाबू बोला। सच कहो, अपना बनना बैरिस्टरा बाबू कहने में आता है। नहीं, बैरिस्टर बाबू। पर आप भूल रहे हैं कि मेरी माँ को आप कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे उन्हें कि क्यों तोड़ा आपने हमेशा खुश रखने का वादा। कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। क्या कहेंगे मेरी माँ से, जिसने मुझे कहा था तेरे पति बाबू तेरे भगवान है बोंदिता। अपने पति को अपना भगवान समझना। बोलिए क्या कहेंगे माँ को।
भेजिए ना अपनी मोटर गाड़ी, भेजिए ना भारी बाबू को, और बुलवाइए ना मेरी माँ को काका ससुर जी। बोंदिता, मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ तेरे पास। मुझे पता है बोंदिता यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो चिंता मत कर, अभी मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ संभाल लूंगी मैं, अब सब कुछ ठीक होगा यहाँ। जमाई बाबू मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। छोटी है वो, पता नहीं गुस्से में आपको क्या क्या कह दी, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए जमाई बाबू, मैं उसे समझा दूंगी। माँ, ये क्या कह रही है तू? तू क्यों मांग रही है माफी? गलती मैंने नहीं, पति बाबू ने की है। बस बस बोंदिता बस, चुप हो जा। उसमें है या नहीं तू? हाँ, कैसे बात करी है अपने पति बाबू से? समाज में मुझे नहीं रहना क्या? किया था ना वो खुश रखेंगे मुझे,
रक्षा करेंगे मेरी। हाँ तो वही कर रहे हैं ना तेरे पति बाबू। हाँ तेरी खुशी और सुरक्षा का क्या वास्ता है जमाई बाबू की दूसरी शादी से? मुझे तो यहाँ कोई गलती नहीं दिखती है जमाई बाबू की दूसरी शादी में। अगर गलत है तो तू है बॉन्दिता जो अपनी पति बाबू पर उंगली उठा रही है। जमाई बाबू आप इस समय यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए इसीलिए आपके पास आया हूँ। मेरे पास एक समाधान है पर उस समाधान का इस्तेमाल करने से पहले आपकी आज्ञा लेना जरूरी समझता हूँ। सर क्या समाधान है आपके पास जमाई बाबू? मनोरमा से शादी। क्या? माँ अगर आप ना कहेंगी तो मैं कुछ आपके आगे एक शब्द नहीं कहूंगा, बस मेरी बात सुन लीजिए। माँ मैं जानता हूँ सुनने में बहुत कड़ा निर्णय लग रहा होगा लेकिन मेरी और मनोरमा की शादी बस कुछ समय के लिए किया गया एक समझौता होगा, एक समझौते से ज्यादा कुछ नहीं। हमारे बीच किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होगा माँ। जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय मनोरमा को मेरी जरूरत है और मुझे या कहूँ कि हमें मनोरमा की। माँ जैसे ही आजादी के मुहिम में मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी मनोरमा हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ यही एक तरीका है बॉन्दता को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के बुरे असर से बचाने का। बॉन्दता मुझसे पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद लगाए बैठी है और उस उम्मीद को तोड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं बॉन्दता की जगह किसी और को ला दूं, सिर्फ बॉन्दता को दिखाने के लिए। बॉन्दता की जगह कोई ले नहीं सकता माँ, कभी नहीं ले सकता, पर बॉन्दता के उज्जवल भविष्य के लिए यही एक तरीका सोच पा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि कुछ बदलाव लाने चाहिए इस योजना में तो आप वो भी बताइए माँ, मैं वो सारे बदलाव करूँगा। कुछ गलत लगे तो उसको उस चीज को सही करेंगे माँ, लेकिन बॉन्दता के भविष्य को उज्ज्वल करना यही तो वचन लिया था ना मैंने माँ। उस वचन को पूरा करने में मेरी मदद करिए ना। कर लीजिए मनोरमा से शादी जमाई बाबू, अगर इससे मेरे बच्ची का दिल टूटे तो टूटने दीजिए। एक गुलाम पत्नी बनने का जो जहर मेरे बच्चे के दिल और दिमाग में इस समाज ने भरा है वो आपके दूसरे शादी से मिले हुए दर्द से ही निकलेगा। अब कर लीजिए दूसरी शादी जब बाबू। मेरी माँ भी बदल गई। तेरा छोटा कोई ना सा
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.